इर झाज के मैं बैठ गोरी राम रट के ओढ़ना संग वाले तेरा फलाल। हो इतनी सुंदर हो, इतनी क्यूट सी हो, तो किस तरह का लड़का पसंद है आपको? तो ऊपर तक जाना है जी, ज्यादा ऊपर भी ना जाइए। तो 4-5 साल कोई शादी वादी नहीं, अभी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं 22 साल की। शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयरिंग का वही क्या कहते हैं धूमा उठा दो। राम राम भी सारे भाइयों, हम आपका भाई सुंदर दिनों दिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों आज प्यारा सा इंटरव्यू कराएंगे जो कि आंचल पांचाल है, एक डांसर भी हैं, रागनी गायक भी हैं और बड़ा अच्छा गाँव है भाई। क्यूट सी मैडम है जो कि देखो आपने देखण मनु लागेगी जमा गुड़िया सी है और प्यारा सा इंटरव्यू करांगे, उसका बारे में जानांगे किस तरह शुरुआत हुई, किस तरह के इस लाइन में आए, तो बात करांगे। राम राम जी। राम राम जी सभी को, सभी दर्शकों को, मैं आंचल पांचाल सभी को राम राम नमस्कार। हाँ जी बोलिए। तो दोस्तों कौन था ना गुड़िया वर्गी है जमा देखो क्यूट सी मैडम है, तो मैम जो आज देखो इस मुकाम पर हो आप, रागनी गाओ हो, तो घरवाला का कितना सपोर्ट मिला है? देखो स्टार्टिंग में सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं था क्योंकि हमारी ना तो ये कभी हमारे खानदान में किसी ने काम किया और ना कभी, तो फिर मैंने शौक लगा, मैं छोटी सी थी, ये थी तकरीबन 14 या 15 साल की जब मुझे शौक लगा था कीर्तनों में जाने का, फिर घर वाले सपोर्ट नहीं करते कि भाई आज तक हमारे परिवार में ये डुमो वाला धंधा क्या है हमारे घर में कि ये डुमो वाला धंधा ना तो भाई किसी ने किया आज तक, तू कहाँ से होगी। फिर मैंने कहा भाई मुझे बस ये लाइन ही करनी है, बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी, अब मैंने प्लस टू की, अभी मैं बीए सेकंड ईयर में हूँ, म्यूजिक से बीए कर रही हूँ। अब पढ़े लिखे हमारी पूरी फैमिली पढ़ी लिखी ऐसी नहीं है, अब पूरा सपोर्ट मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फुल सपोर्ट मिल रहा है। पहले तो थोड़ा सा दिक्कत पड़ी शुरू शुरू में, स्ट्रगल किया थोड़ा सा, अभी भी आगे भी बहुत कुछ करना, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो ये मान लो कि 3-4 सीढ़ी चढ़े, अभी तो ऊपर तक जाना है जी, ज़्यादा ऊपर भी ना जाइए। नहीं नहीं ऐसे नहीं ना, अपनी हरियाणा का, अपने अपने मतलब घर का, अपने गाँव का नाम रोशन करेंगे ना अच्छाई में, ऐसे तो शॉर्टकट तो किसी को लेना नहीं है, नाम ही लेना, अगर शॉर्टकट लेना हो तो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, लेकिन शॉर्टकट नहीं लेना, जाएंगे तो अपनी मेहनत से ही जाएंगे आगे, जितनी आगे पहुँचेंगे। तो बस यही मेरी जर्नी है। तो मैम जो आपकी पहली रागनी थी वह कौन सी थी? मैंने रागनी तो अभी स्टार्ट की है 1 साल से, मैं पहले भजन गाती थी सिर्फ सिर्फ भजन गाती थी, रागनी अभी गाने लगी, सीख रही हूँ थोड़ा थोड़ा, कुछ नहीं आता, बस धीरे धीरे सीख जाएंगे और अभी रागनी गाने लगी। आपकी कोई भी फेवरेट एक रागनी दो बोल सुना दे अपने दर्शकों को। मेरी काफ़ी रागनी है, चौकलिया रागनी भी है, सिंगार रस की भी रागनी है, सिंगार रस की एक बैंगनी सलवार मेरी बहुत फेवरेट रागनी है, जाज के मैं बैठ गोरी मेरी बहुत फेवरेट रागनी है। सुना दे मैं, ये सुना दे। अच्छा अच्छा चलो मेरे को ये सुनाती मैं जाज के मैं बैठ गोरी। इर झाज के मैं बैठ गोरी राम रट के ओढ़ना संग वाले तेरा पल्ला लटके। मुझे ये रागनी बहुत अच्छी लगती थी, ये रागनी गानी इसी रागनी से स्टार्ट की थी मैंने, शुरू में यही रागनी गाती थी मैं, अब तो बस 2-4 रागनी गा लेती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है रागनी। और हमारे नरेश शोरान जी का मुझे बहुत सहयोग मिला है रागनी लाइन में, उनका ही ज़्यादा सपोर्ट मिला है, साल भर हो गए मुझे उनके साथ प्रोग्राम करते, जो रागनी गाना सीखी है ना जितनी भी, वो मैंने ना सच में, ये नहीं है कि मैं कुछ ये बनावटी में कह रही हूँ, मैंने नरेश शोरान जी के ही माध्यम से रागनी गाना सीखा है। पहले मेरे को भजन भजन आते थे, तब इनके साथ प्रोग्राम करने लगी, अभी गा लेती हूँ मैं रागनी। तो आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु हमारे उधर से ही हैं आज़ाद सिंह जी, वो बैंजो बजाते हैं, हारमोनियम प्ले करते हैं, उन्होंने मेरे को सिखाया है, वो मेरे गुरु जी हैं। हाँ जी मैम, कैसे मन में आया कि मैं रागनी गाऊँ भजन गाऊँ, किसको देख के आई इस लाइन में? देख के तो किसी को नहीं आया, बस ऐ जा मुझे ना ये औरतें जो कीर्तन वगैरह करती है ना, मैं इनमें जाया करती पहले, और इनके देख के ना मेरे को चसक लग गई कि मैं भी गाया करूँगी। फिर मैं दो मतलब कीर्तनों में जाती थी, भजन गाती थी, फिर ऐसे धीरे धीरे करके फिर मैं प्रोग्रामों में भी जाने लगी, फिर 1 से 2, 2 से 3, फिर तो बंदा बढ़ ही जाता है। लोग देखो इस लाइन को अच्छा नहीं बताते, हमें अच्छा नहीं बताते गाने बजाने वाली को, देखो हम भी वैसे परिवार से, फैमिली से, खानदान से, हम भी ऐसे नहीं है, और पाँच उंगली कभी एक सार जैसी नहीं थी। अभी इस लाइन में एक दो लड़कियाँ हैं, बस किसी का नाम नहीं ले सकते, उन जैसी उन्हें
लाइन बेकार बना दी है। वैसे सब एक जैसे नहीं होते, और मैं सभी से अपने दर्शकों से जितने भी बंदे देख रहे हैं की बात कहती हूँ कि कलाकारों के बारे में ना तो कभी बुरा बोलो ना कभी बुरा सोचो। हम अपने लिए नहीं जीते, हम तुम्हारे लिए ही जीते। कभी कलाकार अपने लिए नहीं जीता, वो पब्लिक के लिए जीता। हम काम करते किसके लिए करते हैं? ऑडियंस के लिए करते हैं। जो भी कुछ भी नई चीज़ लेके आते किसके लिए? अपने लिए नहीं लेके आते, हम ऑडियंस के लिए लेके आते। तो मैं अपनी जनता से ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी कलाकार लड़की हो या लड़का हो उसके बारे में गलत ना बोले। सब अपने खानदान से परिवार से सब अच्छा गाते हैं, सब अच्छा डांस करते हैं। और बस जी, मेरा यही माध्यम है। बताया 20-21 साल की होगी, तो शादी के बारे में क्या कुछ करना है आपका, कब करें? अभी तो देखो, अभी तो 4-5 साल कोई शादी वादी नहीं, अभी उम्र ही क्या है। अभी तो मैं 22 साल की हुई हूँ और अभी तो बहुत कुछ करना है। फिर तो शादी के बाद थोड़ा सा अलग होता है ना, फैमिली में चले जाने के बाद थोड़ा सा फर्क होता है। अभी तो कोई शादी वादी सर कोई नहीं, 4-5 साल अभी कुछ नहीं। मैम फिर भी आप देखो इतनी सुंदर हो, इतनी क्यूट सी हो, तो किस तरह का लड़का पसंद है आपको? देखो मैं अपनी चॉइस से नहीं, जब मेरे पिताजी देखेंगे ना, मेरी शुरू से यही चॉइस है। मतलब कैसा भी हो, जैसे माँ बाप देखो कभी बुरा नहीं देखता अपने बच्चे के लिए, वो हर चीज़ देखता है। जैसा भी मेरे पिताजी जहाँ भी मुझे भेजेंगे मैं बस वहीं उसमें ही खुश हूँ। जहाँ मेरे पापा ने भेज दिया बस उनकी खुशी में मैं खुश। आप प्रोग्राम में जाते हो तो कौन सा प्रोग्राम सबसे बेस्ट रहा आपका, कि वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिली हो? देखो खुशी तो हर जगह मिलती है। वैसे किसान आंदोलन की बात करें तो भाई साहब बस्ताड़ा टोल है करनाल के पास, उन बंदों ने इतना प्यार दिया है ना, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। उनका नाम हमारी जुबान से हर जगह आता है और हर जगह आता रहेगा। तब तक हम जिएंगे, तब तक प्रोग्राम करेंगे। बहुत ही अच्छा श्रोता है वहाँ के बस्ताड़ा गाँव के, बस्ताड़ा टूल टैक्स से बहुत प्यार दिया उन लोगों ने, बहुत ज़्यादा। और बहुत तो अपना चैनल है मैम स्टार सुंदर न्यूज़, क्या कुछ करना चाहोगे? और जी ये हमारे सुंदर जी का स्टार सुंदर चैनल है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और शेयर का वही क्या कहते हैं, धुमा उठा दो सारे के सारे, ठीक है? मैम कहाँ से हो ये नहीं बता। मैं देखो वैसे गन्नौर से हूँ, सोनीपत के पास, हरियाणा से हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी, थोड़ा लैंग्वेज से आपको अटपटा लग रहा होगा, पैदाइशी है मेरी है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे चैनल को इतना कीमती समय दिया। जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो छोटी सी ना चीज, अभी तो हम कुछ भी नहीं है, ऐसे चीटी के बराबर है, आपने हमारा इंटरव्यू लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो दोस्तों यो आपको इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो। तो और भी आप कई वीडियो दिखा दे रहे बना दे रहे, तो देख दे रही अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।